मैंने उसकी शादी फिक्स कर दी है। किसके साथ? जिससे वो प्यार करती है। किससे प्यार करती है? राहुल से। और राहुल? वो भी उससे बहुत प्यार करता है। अनी और अर्शी की आधी अधूरी शादी के बाद अब जहां अनी और अर्शी एक साथ रूम में बातें कर रहे होते हैं, वहीं अब झनक अपने आईडी कार्ड लेने के लिए अनी के रूम में आ जाती है और वहां अर्शी झनक की ऐसी बेइज्जती करती है कि वो हमेशा अर्शी के पीछे पीछे क्यों आती है जहां भी अन्नी होता है। और अब झनक के जाने के बाद अर्शी रोते हुए एक बार फिर गले लगती है अन्नी से, पर वो एहसास नहीं है अब अन्नी में और चाहकर भी अर्शी को आखिर क्यों दिल से गले नहीं लगा पा रहा। और इस बार अर्शी समझ जाती है कि हो ना हो जो अन्नी कहता है उससे उसमें कोई सच्चाई नहीं, अन्नी उसका अब रहा ही नहीं और अब दूर होती है अन्नी से। पर पूरा परिवार इकट्ठा है अब अन्नी के रूम में जहां सृष्टि अन्नी को सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती, पर अब अन्नी चुप नहीं रहता और उल्टे सृष्टि के ऊपर ही सारा इल्जाम लगा देता है। आखिर ये रिश्ता ही क्या जिसमें भरोसा ना हो। देखते रहिए झनक की अपडेट्स यही कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां हम आप तक लेकर आएंगे एक एक अपडेट, सारे अपडेट्स। आंटी एक बार झनक की शादी हो जाए फिर किसी भी प्रॉब्लम की कोई जगह नहीं बचेगी। कोई भी विश्वास या भरोसे करने लायक है ही नहीं और इस सब में ना मेरी बेटी की लाइफ बर्बाद हो रही है। क्या कहा आपने? मैं अर्शी की लाइफ बर्बाद कर रहा हूँ? मुझे अर्शी की लाइफ बर्बाद करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इसे ये समझना चाहिए जो इसकी लाइफ बर्बाद करने पे तुला है ना वो इनके अपने परिवार वाले हैं। अनिरुद्ध, अनी, क्या हुआ? जब तुम्हारी माँ मेरे बारे में बात कर रही थी तब बहुत अच्छा लग रहा था, मेरे भरोसे की कोई कीमत नहीं है।